पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह को एक सपा नेता ने फोन पर गालियां दी। इतना ही नहीं, जान से मारने तक की धमकी दे डाली। आरोप आजम खां के करीबियों में गिने जाने वाले मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक पर है। दरअसल नगर निगम की टीम ने शहर में बकाया टैक्स वसूली का अभियान चला रखा है। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे निगम की टीम ने जिगर कॉलोनी में एक मकान को सील कर दिया। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह का कहना है कि मकान पर 24 लाख रुपए का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बकाया है। बार बार कहने के बाद भी मकान मालिक ने टैक्स जमा नहीं किया, इस पर मकान सील करना पड़ा। इसी मकान की सील खुलवाने के लिए सपा नेता ने सिफारिश की, सिफारिश नहीं सुनी गई तो वो आपा खो बैठा और अफसरों को गालियां देने लगा। अपर आयुक्त से कहा कि जानते नहीं 20 साल पुराना गैंगस्टर हूँ। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि हमारी टीम ने जिगर कॉलोनी में मकान को सील किया था। कुछ देर बाद मेरे COG पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि मैं यूसुफ मलिक बोल रहा हूँ, तुरंत जिगर कॉलोनी आकर मकान की सील खोल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने टैक्स जमा कराने को कहा तो फोन करने वाला एकदम भड़क गया। उसने कहा, तुम जानते नहीं मेरा नाम यूसुफ मलिक है, मुझ पर 20 साल पहले गैंगस्टर लगा था, कई मर्डर कर चुका हूँ, अगर मकान की सील नहीं खोली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपर नगर आयुक्त ने पुलिस को तहरीर दी। अनिल कुमार सिंह ने बताया यूसुफ मलिक के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए सिविल लाइन्स पुलिस को तहरीर दी गई है। उधर धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस ने भी छानबीन शुरू कर दी। सीनियर पुलिस अफसरों ने भी अपर नगर आयुक्त को कॉल करके घटना की जानकारी दी। पे जो कमर्शियल था 23 लाख का टैक्स बकाया था, उसने कई बार प्रयास के बाद जमा नहीं किया, तो उसको टीम ने नियमानुसार उसके सीलिंग की कार्रवाई की। सीलिंग की कार्रवाई की तो उसके उपरांत एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ मलिक है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपने किस तरह से सील लगवा दिया, टैक्स वसूली नहीं होगी, हम टैक्स नहीं देंगे, और आप मुझे जानते नहीं हो, मैं मुझसे मुझे 20 साल पहले मेरे ऊपर गुंडा लग चुका है, मैं कई मर्डर कर चुका हूँ, मैं आपको देख लूँगा, मैं आपके कार्यालय में बैठा हूँ, आप कार्यालय आए या मैं आपकी कोठी में घुस के आता हूँ। मैंने कहा, आप कार्यालय बैठी है, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आके देखता हूँ, यदि कोई नियमानुसार कार्रवाई है तो उसको मैं कराता हूँ। जब मैं कार्यालय आया तो कार्यालय में नहीं थे। उसके उपरांत एक नंबर जिसका नंबर है 9837000229, इससे मेरे COG नंबर पर फ़ोन आया और मुझे जान से मारने की धमकी, अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली गलौज करते हुए कहा, इस काम को रोकिए, आप टैक्स वसूली के नाम पर परेशान कर रहे हैं और आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ और मेरे ऊपर भू माफिया का एक्ट भी लग चुका है और मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लग चुका है। इस तरह की भाषा, सरकारी काम में बाधा डाली उन्होंने, पूरी तरह से कर्मचारियों को धमकाया, मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जान से मारने की धमकी दी। इससे हमारे सभी कर्मचारियों का मनोबल गिरा है, असुरक्षा की भावना उनके अंदर आई है। सरकारी काम को पूरा करने के लिए हमारे एक लक्ष्य होते हैं, शासन की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, वो हम जब भी कर पाएंगे जब भयमुक्त माहौल हमारे साथ में रहेगा और हम किसी भी दिशा में। इस संबंध में मैंने एक FIR भेजी है, पुलिस अपना कार्य करेगी, विधिक कार्रवाई करने के लिए मैंने मांग की है। इस समय का ये सील की कार्रवाई 12 बजे हुई, प्रेस और मीडिया की उपस्थिति में हुई, वहाँ कुछ वीडियोग्राफर भी थे, उनकी उपस्थिति हुई, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा होता तो शाम के 5 बजे तक ये स्थिति नहीं होती। धन्यवाद। यह हमारी सील के ऊपर और उसको खोल करके और किसी प्रकार से फोर्जरी की गई है तो जरूर उसमें फायदा है। वसूली में इन्होंने कुछ परिसरों को सील करने की कार्रवाई की है, जिसको लेकर के किसी व्यक्ति के द्वारा आपके साथ बहुत अभद्रता की गई और फ़ोन पर उनको तमाम अनाप शनाप बातें कही गई और यहाँ तक कि उनका घर घेर लेने और घर पर आ करके उनको देख लेने जैसे बातें कह करके उनको धमकाने का प्रयास किया। इस संबंध में संबंधित अधिकारी और पूरी वसूली टीम के द्वारा एक FIR सिविल लाइन्स थाने में अभी तुरंत तत्काल पंजीकृत कराई जा रही है। हमारा अनुरोध है कि राजस्व से ही तमाम विकास कार्य होते हैं, राजस्व जो वसूल करके आता है उसी से निगम के द्वारा शहर में विकास के कार्य कराए जाते हैं। इस कार्य में अगर कोई भी पक्ष बाधा पहुँचाने का प्रयास करेगा या टीम को धमकाने का प्रयास करेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई हम उसके विरुद्ध निश्चित रूप से अमल में लाएंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बताया जा रहा है, मंत्री जी भी बताया जा रहा है। मेरा अभी इन तथ्यों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है,
प्राथमिक तथ्य ही मेरे पास हैं, इसमें पार्टी या किसी की नज़दीकी या करीबी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सरकारी कार्य कर रहे लोगों के साथ अभद्रता की जाएगी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई जाएगी तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। वो किसी के नज़दीकी हों, किसी पार्टी से संबंध रखते हों, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।